हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हेल्प्स इन ओवरकमिंग कंपटीशन, दैट मींस मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपटीशन को ओवरकम करने में। दैट मींस मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे ही सेम प्रोडक्ट और फर्म भी बना रही है। तो बात ये आती है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, अगर आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे फंक्शंस इफेक्टिवली चलाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगी, प्रॉफिट कम आएगी, ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा उसका। तो उससे फ़ायदा होगा क्या? आप अपने कॉम्पिटिटर्स जो भी आपके साथ लड़ रहे हैं मार्केट में और आप उनको बीट कर पाएंगे। ऑलराइट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट पॉसिबल, यूटिलाइजेशन मतलब अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिवली होगा तो आपके रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आता क्या है? मनी, मटेरियल, मशीनरी और लेबर। मनी, मटेरियल, मशीनरी और मैन, या लेबर बोल सकते हैं उसको। इन सारी चीज़ों का, इन सारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है अगर आपका मैनेजर इफेक्टिव है और मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज नहीं जाते, आपको पता रहता है कब किन चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ उतनी ही उसी जगह पर उसी टाइम लगवाते हैं, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता। जहां पर वेस्टेज नहीं होता वहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। मेकिंग सेंस? आगे बढ़े। थर्ड, प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैनेजर्स एक अफेक्टिव है, जितने भी मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग हिराकी है, टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजर्स, जहां पर अफेक्टिव हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वर्कर्स को, स्टाफ को इनोवेट करने के चांसेस देते हैं, मतलब उनसे सजेशंस मांगे जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, वहां से इनोवेशन और क्रिएटिविटी सामने आती है। और इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट मीन्स प्रोडक्ट में फेरबदल करने, प्रोडक्ट में फेरबदल करके कस्टमर्स तक पहुंचाने, ताकि कस्टमर को हर बार कुछ ना कुछ नया मिल पाए। आप जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे मार्केट में, कुछ भी नई चीज़ नहीं बन रही है, पुरानी चीज़ को ही फेर बदल करके, चेंजेस करके आपके सामने पेश करा जा रहा है। तो इसको इनोवेशन और क्रिएटिविटी प्रमोट करता है, राइट? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं सबको सामान्य अधिकार देता है कि कोई भी अपने सजेशन दे सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन आपने वर्ड पढ़ा है, डेलीगेशन आपने वर्ड पढ़ा है, तो ये दोनों टेक्निक फॉलो होती है एक अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में। उससे इनोवेशन, कुछ नया करने की चाहत या इच्छा, या कुछ नई चीज़ प्रोडक्ट में करनी, वो इजाद होती है और लोग क्रिएटिव बनते हैं। तो ये मैनेजमेंट की खास बात है, अफेक्टिव मैनेज करोगे। एक अगर टीचर क्लास में अफेक्टिव मैनेज करेगा, अच्छे से पढ़ाएगा, तो बच्चे इनोवेटिव बनेंगे और क्रिएटिव बनेंगे, राइट? आगे बढ़ेंगे। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, दोनों चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। दैट मींस रिजल्ट जल्दी अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट होगा, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, राइट? और एफिशिएंसी में दूसरी चीज है वर्कर्स की एफिशिएंसी। वर्कर्स को जब अच्छे काम मिलेंगे, या फिर वो काम मिलेगा जिसमें वो अच्छे हैं, तो उनमें भी एक्सपर्टीज आएगी, उस चीज में वो एक्सपर्ट बनते रहेंगे, राइट? तो मेन चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को बीट करती जाएगी, अपना गुडविल और फेम इंक्रीज होता रहेगा उनका, और वर्कर्स अपने काम में एक्सपर्ट बनते रहेंगे अगर मैनेजर उनको अच्छे से काम करवाएगा, और मैनेजर को काम करवाना आता हो। बिकॉज मैनेजमेंट क्या है, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये कला है मैनेजर की कि वो कैसे काम करवाता है, कैसे काम करवाता है, खुद नहीं करेगा, कैसे काम करवाना है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैनेजर अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको काम करवाना आना चाहिए, राइट? तो इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वर्कर्स, राइट? आगे है फिफ्थ, हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक एनवायरमेंट मतलब होता है ऐसा एनवायरमेंट जो अडेप्टेबल है, जो कि मॉडिफाई हो सकता है, जो कि चेंज हो सकता है। फिक्स्ड अप्रोच या रिजिड अप्रोच नहीं चलेगी आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर आप जैसे 10 साल पहले थे वैसे ही आज भी बनना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग, कस्टमर के नेचर, टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा, यही नीड ऑफ द आवर है। अगर आप नहीं चेंज होंगे तो आप फिक्स रह जाएंगे, रिजिड रह जाएंगे,
कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, लॉस कमाने लग जाएंगे, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाती है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि चेंज इज द नीड ऑफ द आवर, चेंज होना पड़ेगा कस्टमर्स के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए, राइट। आगे बढ़ेंगे, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सारे बच्चे समझदार हैं, पर्सनल मतलब वर्कर्स के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं लोअर लेवल में काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब किसी एक वर्कर्स का, किसी एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स का मेजर ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि उनको सैलरी में हाइक चाहिए, सैलरी में इंक्रीज चाहिए, वर्किंग कंडीशन उनको अच्छी चाहिए। तो मेन चीज क्या है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव मेंटेन रख रहे हो, मैनेज अच्छे से कर रहे हो, तो आपके वर्कर्स सेटिस्फाई रहेंगे। वर्कर्स सेटिस्फाई रहेंगे तो कभी भी वर्क को लेके कंप्लेन नहीं करेंगे और आपका आउटपुट अच्छे से प्रोड्यूस करके देंगे, या जो भी काम वो कर रहे हैं उनमें एफिशिएंसी आएगी और वो अच्छे से काम को करके देंगे, राइट। तो मेन चीज क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी उनके सेटिस्फाई होते हैं। क्यों, एक और रीजन है, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको पता है, या कहीं ना कहीं से उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हमने हेल्प कर दी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करवाने में, अकम्प्लिश कराने में, तो हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरे होंगे ही होंगे। से फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव है या उनका, उनको लगता है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, एक तो मैनेजर इफेक्टिव अगर होगा तो उनको समझाएगा कि जी मेहनत करके वर्क करो, ये जो टारगेट है अच्छे से कंप्लीट करो, इससे प्रॉफिट कमाओ, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपकी सैलरी तो बढ़ने ही वाली है, राइट। तो मेन चीज क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी करती है अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो चुका है, कस्टमर सोसाइटी का ही पार्ट है, राइट। तो मेन चीज क्या है, हर बिजनेस, हर मैनेजमेंट या हर कंपनी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती है जो कि क्वालिटी हो जिस चीज में, प्राइस भी रीजनेबल लगाती है और इको फ्रेंडली भी होती है, जिससे सोसाइटी का बेनिफिट होता है, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की टूवर्ड्स सोसाइटी, जहां पर वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के पेश करती है, रीजनेबल प्राइसेस लगाती है, क्योंकि उनको पता है दुनिया में नाम बाद में होगा, कंट्री में नाम बाद में होगा, पहले सोसाइटी में हमें नाम बनाना है, सोसाइटी में अपनी गुडविल और फेम बनानी है। जैसे सोसाइटी में बन जाएगी, वैसे ही वही लोग हमारा प्रमोशन करेंगे, हमारे नाम को सराहेंगे, प्रशंसा करेंगे, और वही नाम हमारा स्प्रेड होगा और वही हमारा प्रमोशन बनेगा, राइट। मेन चीज क्या है, एक अच्छी कंपनी जहां पर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है वो कंट्री को भी या सोसाइटी को भी डेवलप करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब पूरे कंट्री को फायदा पहुंचता है अगर कोई भी कंपनी इफेक्टिवली मैनेज होती है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कंपनी है पर्टिकुलर दिल्ली में, इंडिया में दिल्ली में एक कंपनी है जो कि इफेक्टिवली मैनेज हो रही है, मैनेजर बहुत इफेक्टिव है, लीडरशिप क्वालिटी है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग जितने भी फंक्शंस से इफेक्टिवली निभाता है, वर्कर्स को सेटिस्फाई रखते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं, प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का या अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, डेलीगेशन अपनाते हैं, तो ये सारी क्वालिटी हैं एक इफेक्टिव बिजनेसमैन की या एक मैनेजर की, जहां पर वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है। अब ये गारंटी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने ही वाली है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी, ग्रो करेगी, कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स के रूप में, या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, प्रॉफिट कमाएगी, ग्रो करेगी, अपनी और ब्रांचेस खोलेंगे, अपना और एक्सपेंड करेंगे, वर्कर्स की जरूरत होगी, तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो इससे होता क्या है, इकोनॉमी डेवलप करती है, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम डेवलप्ड होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने सहने का तरीका इंप्रूव होता है, कंट्री प्रॉस्पर करती है, प्रोग्रेस करती है, कंट्री की इमेज डेवलप्ड होती है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, राइट। तो मेन चीज क्या है, ये सारे फायदे हैं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जहां पर 8 पॉइंट सिंपल भाषा में समझाने की मैंने ट्राई करा है, कोशिश करा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, वो लाल कलर का सुंदर सा बटन है, ऊपर नोटिफिकेशन बेल है, दोनों प्रेस कर दीजिएगा। मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, तो लिंक ये रहा, सुनील अधिकारी 04, मुझे फॉलो कर सकते हैं।
फेसबुक में हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।